हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में अपना 1 मार्क्स का वेटेज तो कम से कम कवर करता ही है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसी को हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें हम आपका सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे नाउन के, और इसके अलावा इसके बाद जब ये नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना, उसके बाद हम इसकी सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे, एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये हम सारे सॉल्व करेंगे। और जो ये नाउन टॉपिक है, ये हमारा किस किस एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये हमारा यूपीएससी एनडीए के लिए हेल्पफुल रहेगा, यूपीएससी सीडीएस के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हमारा ये एयरफोर्स का एक्स एंड वाई दोनों ही ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप इसको एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अधिकतर जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें नाउन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा ये जो नाउन टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं क्लास वाइज। आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में इसका जो भी मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, आप वो सारे करेक्ट कर पाएँ। ये जो नाउन टॉपिक है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम इंग्लिश को बेसिक से जानेंगे कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं। हमें कम से कम इंग्लिश पढ़ने के लिए कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि आखिर इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। ये है नाउ, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं, 44, और लेटर्स होते हैं 26, और लेटर्स से हमारे बनते हैं वर्ड्स। सबसे पहले इंग्लिश आई तो उसमें लैंग्वेज में हमने सिर्फ साउंड ही सुनी, उसके बाद साउंड से हमने लेटर्स बनाए, लेटर्स से फिर लेटर्स को मिला के वर्ड्स बने, वर्ड्स को मिला मिला कर हमने सेंटेंस बनाए। इसके बाद हमने साउंड को डिवाइड किया है। साउंड 44 होते हैं। वोवेल में जो साउंड होते हैं वो 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं 24। वोवेल के साउंड वो होते हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं डायरेक्टली, ये आप बोलकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा लेटर्स की हमारी काउंटिंग करें अल्फ़ाबेट्स की, तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वोवेल होते हैं इसमें 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। वर्ड क्या होता है? वर्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वर्ड होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, एक कलेक्शन लेटर्स का, प्लस मीनिंगफुल साउंड। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है वर्ड बनाने के लिए, बिकॉज अगर आप कलेक्शन ऑफ लेटर अकेला देखोगे तो कोई भी कलेक्शन ऑफ लेटर अगर वो मीनिंगफुल साउंड नहीं देता है तो वो कोई वर्ड नहीं हुआ। जैसे कि हम कहना चाहें तो, जैसे कि नेम ले लो, नेम की स्पेलिंग होती है NAME, नेम, ये मीनिंगफुल साउंड है। अगर आप नेम की स्पेलिंग में आप लेटर्स को आगे पीछे कर दो, जैसे कि NEMO, नीमो, एस, कुछ भी अगर आप इधर उधर साउंड कर दोगे, मतलब लेटर्स कर दोगे, तो साउंड मीनिंगफुल आ ही नहीं सकती, तो वो वर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई मीनिंग होगा ही नहीं। इसीलिए कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी होना चाहिए प्लस मीनिंगफुल साउंड भी होनी चाहिए उस लेटर की। ये हमारा क्या होगा, वर्ड। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी, इंग्लिश में होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आप सभी को पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हम स्टार्टिंग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, फर्स्ट इज नाउन,
जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट हम अभी छोटा छोटा इंट्रो सबका ले लेते हैं। हम टॉपिक वाइज पहले नाउन करेंगे, फिर इसके बाद नाउन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रोनाउन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो आपको दे रही हूँ ताकि आप सेंटेंस में पता कर पाएं कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड डिटर्मिनर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट नॉलेज दे रही हूँ इसका। नाउन क्या होता है? नेमिंग ऑफ वर्ड्स, जो मतलब अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि नाउन की अपन डेफिनेशन याद करते थे छोटे थे तब। नाउन इज अ नेम, प्लेस और अ थिंग। एग्जाम्पल, राम, पेन, इंदौर, यूपी, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए, जिसमें मतलब पर्टिकुलर नेम हो किसी चीज का। नेमिंग ऑफ वर्ड, किसी पर्टिकुलर थिंग को अपन पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि रिप्रेजेंटेटर होता है ये नाउन का। नाउन को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोनाउन। अगर हमें किसी जगह नाउन को रिप्लेस करना हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे कि राम की जगह हम ही लिख सकते हैं, मोहन की जगह हम ही लिख सकते हैं, बहुत सारे पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की जगह हम दे लिख सकते हैं। इस टाइप से हम नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से। हम सीमा की जगह शी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एड्स सम डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करना, कि आप डिटेल ऐड करें नाउन और प्रोनाउन में, इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि कोई शॉर्ट है तो शॉर्ट बॉय, लॉन्ग हेयर्स, इस टाइप से। नेक्स्ट हम लेंगे नाउन का एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लिया है कमल हेल्प्स मोहन, तो इसमें नाउन कौन सी है आपको पहचानना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि नाउन कैसी होती है, कैसे पहचानते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सी है। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से, इन द सेंस 0 लेवल से। तो इसमें है नाउन है कमल। कमल हेल्प मोहन, हु हेल्प मोहन, नाउन हमारा हु का रिप्लाई करती है। तो हु हेल्प मोहन, कमल हेल्प मोहन, तो हमारी यहाँ पे कमल नाउन है। और नाउन हुम का भी रिप्लाई करती है, तो कमल हेल्प हुम, हुम किसका आंसर कर रहा है? मोहन का। तो कमल हेल्प मोहन, तो यहाँ पे 2 नाउन है, कमल भी नाउन है, यहाँ पे मोहन भी नाउन है, हेल्प वर्ब है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है प्रोनाउन का। इसमें है कमल हेल्प मोहन, तो इसमें ये रिपीट हो गया है, इसमें ये दोनों ही नाउन ही है। इसके बाद ही हैज मैनी बुक्स, ही हैज मैनी बुक्स, बुक्स क्या है इसमें? नाउन है। मैनी क्या है इसमें? डिटर्मिनर है, जो कि ये भी नाउन में डिटेल ही ऐड करता है, यानी कि स्पेसिफिक बनाता है ये नाउन को। जैसे कि हिज बुक्स, हिज बुक्स यहाँ पे लिखा होता तो हिज उसमें डिटर्मिनर होता। अगर हर बुक्स लिखा होता, माई बुक्स लिखा होता, तो यहाँ पे जो हिज, हर, अवर बुक्स, तो अवर जो भी होता वो डिटर्मिनर होता और बुक्स नाउन ही होता। यहाँ पे जो ही है ये प्रोनाउन है, ये जो ही है ये प्रोनाउन है। आई होप आपको पता चल रहा हो कि कौन सा वर्ड क्या है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो आई पेंटेड हर ब्लैक कार। कार क्या है यहाँ पे? नाउन है। ब्लैक क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। ये नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। कार तो है पर कैसी है? ब्लैक। हर क्या है यहाँ पे? ये आपको पता चल रहा होगा प्रोनाउन है। ये आई यहाँ पे प्रोनाउन है, पेंटेड यहाँ पे वर्ब है। इस टाइप से हमें पर सेंटेंस का पता होना चाहिए कि इसमें वर्ड्स जो हैं हमें दिए गए हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है।
नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होती हैं? एक्शंस, पोजीशंस, हैपनिंग्स, ये सब दिखाती हैं वर्ब। जैसे एक्शन गो, कम, पोजीशन हैव के सेंस में आई हैव अ पेन, ये पोजीशन होता है। हैपनिंग, ये सारी चीजें कौन दिखाता है? हमारी वर्ब दिखाती है। विदाउट वर्ब तो कुछ होता ही नहीं है। सेंटेंस में वर्ब तो होती ही है। वर्ब भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम वर्ब को भी एक अलग टॉपिक में समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब, बहुत टाइप में वर्ब होती है। वर्ब का भी एक अच्छा खासा बड़ा रूप है जो आप हमारे साथ नेक्स्ट बढ़ती हुई क्लासेस में समझेंगे। वर्ब के बाद आती है एडवर्ब। ये स्पेसिफाई करती है वर्ब को। ये वर्ब जो होती है उसको स्पेसिफाई करती है। जैसे कि ही वेंट देयर, ही वेंट वेयर, ही वेंट देयर। वेयर का आंसर कौन दे रहा है? देयर। एडवर्ब कौन सी होती है? जैसे कि कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये जो क्वेश्चंस वर्ड्स है ना, इनके जो आंसर देता है वही एडवर्ब है। इससे आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब आखिर कौन से वर्ड्स होते हैं। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है। तो ही वेंट वेयर देयर। वेयर मीन्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गया था वो, देयर। तो देयर आंसर दे रहा है वेयर का, तो यही एडवर्ब है। ये किसमें डिटेल मतलब स्पेसिफाई कर रहा है? ये वेंट को, ही वेंट देयर, इसमें देयर है एडवर्ब। ही केम यस्टरडे, ही केम व्हेन यस्टरडे, ये हमें व्हेन, व्हेन का आंसर कौन कर रहा है यहाँ पे? यस्टरडे। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सी है? यस्टरडे। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा छोटे में आप जान सकते हो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंसेस, ये हम कंजंक्शन से ऐड करते हैं। जैसे मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स। मोहन एंड मोहिनी आर फ्रेंड्स, यानी कि मोहन भी है, मोहिनी भी है। मोहन और मोहिनी को ऐड कौन कर रहा है? एंड। एंड हमारा ऐड कर रहा है मोहन और मोहिनी को, तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। यहाँ पे और हो सकता था, बट हो सकता था, और भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे पर कंजंक्शन टॉपिक में। अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती हैं? रिलेटिंग वर्ड्स, ये हमारी वर्ड्स को रिलेट करने का काम करती हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? ये हमारी कंजंक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये वर्ड को ज्वाइन करते हैं। बट प्रीपोजिशन रिलेट करता है वर्ड्स को। जैसे ही वेंट टू हर्षित, ही वेंट टू हर्षित, तो टू रिलेट करता है ही वेंट हर्षित को। ये हमारी हुई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रीपोजिशन टॉपिक। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होती है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, जो हमारी सडनली जो फीलिंग्स आती हैं वो होती हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि ब्रेवो, हुर्रे, ओह, अलास, ये हमारी होती हैं इंटरजेक्शन। ये हमारे, मैंने आपको आज नाउन से पहले ही ये पूरा बेसिक दिया है पूरा इंग्लिश का। आई होप इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारी नाउन। तो आपको नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि आप मतलब सेंटेंस में आप पर वर्ड को समझ पाएं कि आखिर ये वर्ड है क्या। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी की, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी फेसबुक आईडी है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है। इस पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी,
सारी पीडीएफ के लिंक मिलेंगे, यहाँ पे आप जाके फॉलो करें। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल यूट्यूब, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तब आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। ये हमारा पेज है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, ये हमारे सर हैं, आप इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, ये मैथ्स पढ़ाते हैं और इनकी वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी फॉर मैथ्स। और ये भी NDA रिकमेंडेड हैं, तो आप प्लीज़ इनकी वीडियो भी जाकर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।